गौवंश में तेजी से फैल रही लंपी स्किन बीमारी पर रोक लगाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भायर ने खुद विभिन्न जिलों का दौरा कर ग्रामीणों से फीडबैक लिया, साथ ही गौवंश में वैक्सीन की प्रक्रिया को भी तेज कराया। इस मौके पर खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भायर से गौवंश से जुड़े मामलों पर खास बातचीत की। ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी ने। हमारे साथ इस समय मौजूद है खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भायर। आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी है, चाहे खान हो, पेट्रोलियम हो, गोपालन हो, डेयरी, और अब तो जिस तरह से लंपी वायरस ने प्रदेश में दस्तक दी, सैकड़ों हजारों की तादाद में गौवंश को अपनी जिंदगी खोनी पड़ी, लेकिन इस दौर में बड़ी संवेदनशीलता और त्वरित एक्शन लेते हुए सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और कंट्रोल की स्थिति में। भाई जी, सवाल ये उठता है, कई बार इस तरह से सुनने को मिलता है, विपक्ष को लोग भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो प्रदेश की, जो सूबे की, जो कांग्रेस सरकार है, वो गौधन को, गौवंश को लेकर इतनी संवेदनशील नहीं है। क्या इन आरोपों में कितनी तो सच्चाई है? और अब लंपी वायरस की अगर हम बात करें तो किस तरह से आपने पूरे गौवंश को इससे बचाने के लिए, इससे सुरक्षित करने के लिए किस तरह के काम किए? आपने जो बात कही कि कुछ लोगों का आरोप है कि कांग्रेस सरकार गौ सेवा को लेकर संवेदनशील नहीं है, ये उनकी बिल्कुल 100% झूठ है और हकीकत इससे बिल्कुल पर है। मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ। लंपी वायरस ने जैसे दस्तक दी, वैसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने 5 अगस्त को VC से ऑल कलेक्टर्स और हमारे मंत्रिपरिषद के सभी साथीगण और वरिष्ठ अधिकारीगण सबकी हमारी बैठक ली और उसमें निर्देश दिए कि गोधन को इस बीमारी से बचाने के लिए सरकार किसी स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कहीं जो बजट की आवश्यकता हो, संसाधन की आवश्यकता हो, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिल्कुल कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। 5 तारीख के बाद में फिर 14 तारीख को दोबारा VC ली मुख्यमंत्री जी ने। 15 तारीख को जिस तरीके से कोरोना महामारी में मुख्यमंत्री जी ने VC के माध्यम से पंचायत राज के नीचे के सभी प्रतिनिधियों से, आपके नगरपालिका के प्रतिनिधियों से, सांसद महोदय, मंत्री महोदय, विधायकगण सभी की बैठक ली और उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने यह आश्वस्त किया कि सरकार की तरफ से इस बीमारी के लिए कोई धनराशि की, किसी बजट की, कोई संसाधन की कोई कसर न तो छोड़ी जा रही है और न आगे छोड़ी जाएगी। आप तो खुद भी जिलों में गए थे, आपने क्या देखा वहाँ और किस तरह से CM को फीडबैक दिया और CM ने फिर क्या कहा कि इस वायरस की रोकथाम के लिए, गौवंश को बचाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? मैं और मेरे साथ गौ सेवा आयोग के जो अध्यक्ष जी हैं, मेवाराम जी जैन साहब, उपाध्यक्ष जी, हम सब लोगों ने मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर सभी जिलों के दौरा किया और वहाँ पर अधिकारियों के साथ साथ हमने जो गौशालाओं के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सबकी बैठक ली और उनसे हालात को जाना और जहाँ जो फीडबैक आया वो हमने पूरा आके मुख्यमंत्री जी को दिया और मुख्यमंत्री जी ने उसी के अनुरूप दोबारा बैठक लेके सभी को निर्देश दिए। और जो इसमें मुख्य रूप से है, जहाँ पर वायरस दस्तक दे चुका है वहाँ वैक्सीन काम नहीं करती, वहाँ वैक्सीन लगाने से और ज़्यादा बढ़ने का खतरा रहता है। जो केंद्रीय मंत्री जी आए थे, उनके साथ जो एक्सपर्ट आए थे, मलिक साहब, उन्होंने ये बात की पुष्टि की थी कि जहाँ पर वायरस आ चुका, बीमारी फैल चुकी, वहाँ पर कोई वैक्सीन काम नहीं करेगी और अगर वैक्सीन लगाएंगे तो उसका नुकसान होगा। वहाँ जो दवाई काम आती है, जानवरों की, गौवंश की प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने की दवाइयाँ काम आती हैं, उनको दर्द कम करने की दवाएं काम आती है ताकि उनको दर्द कम हो, तड़फन कम हो, साथ ही वहाँ पर बराबर स्प्रे हो ताकि मक्खी मच्छर, इनकी वजह से वो ज़्यादा स्प्लिट होता है तो वो बचे, और मक्खी मच्छर होते हैं तो जानवर पे, जब पीड़ित जानवर पे बैठते हैं तो उनको तकलीफ होती है। तो इन चीज़ों में सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है और जिन जिलों में दस्तक नहीं दी है वहाँ पर वैक्सीन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वैक्सीन के लिए हमने गोपालन के माध्यम से भी सभी डेयरी संघों को भी पत्र जारी किया है कि भाई वो भी अपने अपने क्षेत्र में वैक्सीन परचेज करके दुधारू गायों वालों को भी दे ताकि उनको भी नुकसान नहीं हो, हमारे किसान भाइयों को। तो
तो कहीं कोई कमी सरकार की तरफ से न तो पहले थी, न आज है और न आगे रहेगी। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का जो सोच है कि जिस तरीके से कोरोना में प्रबंधन हुआ उसी तरीके से इस बीमारी में गोवंश, जो हमारी धार्मिक भावना है कि इसमें सभी देव देवताओं का वास है, हम सबका नैतिक धर्म बनता है कि हम समर्पित भाव से उसको बचाने का पूरा प्रयास करें। और उसके लिए मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, हमारी सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, नीचे के अधिकारीगण, कर्मचारीगण सब अपने अपने दायित्व को मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुरूप पूरा करने में लगे हुए हैं। जहाँ तक आपने जो बात कही कि साहब भारतीय जनता पार्टी या दूसरे लोग कहते हैं कि साहब कांग्रेस की सरकार गोवंश के प्रति संवेदन नहीं, इसका मैं आपको बैक हिस्ट्री भी आप देखेंगे तो राजस्थान के इतिहास में पहली बार जो अनुदान शुरू किया हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जब पिछली बार मुख्यमंत्री थे जब उनके टाइम पे अनुदान शुरू हुआ, और उसके बाद इस बार जो सरकार बनी, जो गौ सेवा से जुड़े हुए लोगों का हमने सम्मेलन आयोजित किया जयपुर में, गौरक्षा सम्मेलन, उसमें लगभग 7,000 से ऊपर गौ सेवकों ने भाग लिया। और मुख्यमंत्री जी ने उनसे यही अपील की कि भाई आज जो हालात हैं गोवंश के, हमारी जो धार्मिक भावना है कि इसमें सभी देव देवता का वास है, नंदी को हम शिवालय में पूजा करते हैं, असली नंदी के जो हालात हैं वो एक चिंतनीय है, आप इससे जुड़े हुए हैं, आप हमें मार्गदर्शन दें, हमें सुझाव दें कि हम इसको किस तरीके से उनका संवर्धन अच्छा कर सकते हैं। उसमें जो गौ सेवकों ने जो सुझाव रखे थे उन सुझावों को मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इम्प्लीमेंट करने के हमें निर्देश दिए, और मुख्यमंत्री जी के निर्देश की पालना में जो अनुदान पहले 16 रुपये था छोटे पशु पे, उसको बढ़ाकर 20 रुपये किया, जो 32 रुपये था उसको बढ़ाकर 40 रुपये किया, और इसके साथ साथ अनुदान में जो कई ऐसी शर्तें डाल रखी थी जिससे जो गौशाला के जो प्रतिनिधि थे वो अपने आप को ऐसा ही महसूस करते थे, वो दबे स्वर में ये कहते थे कि शायद सरकार ये समझती है कि हम बेईमान हैं। तो उनने जो जो मैंने समय समय पे गौशाला के प्रतिनिधियों की, मैंने जो इनके अध्यक्ष हैं, अन्य पदाधिकारी हैं, उनको हमने बुलाया और उनसे हमने चर्चा की, उनसे राय मशवरा किया, मैंने मेरे विभाग के अधिकारियों ने भी कि भाई आपको ये भावना क्यों पैदा हुई है। उनने जो जो बिंदु बताए कि साहब टोल पर्ची ख़त्म होना चाहिए, बिलों का जो कॉपी मांगते हैं वो हमको फोटो कॉपी कराने में काफ़ी तकलीफ आती है, टोल पर्ची के लिए आज गौशाला हमारी यहाँ है कांटा 50 किलोमीटर दूर है, तो केवल टोल पर्ची कराने के लिए हमको भूस तो मिल रहा है गौशाला के बगल के खेत से, टोल पर्ची कराने जाना पड़ता है हमको 50 किलोमीटर दूर। इसी तरह जो पहले प्रोविजन था कि 200 पशु होने के बाद ही अनुदान चालू होगा, हमने उसको घटा के 100 किया, पहले प्रोविजन था कि 2 साल पूरा होने के बाद ही अनुदान चालू होगा, हमने उसको घटा के 1 वर्ष किया, तो ऐसी कई शिथिलताएँ हमने उसमें प्रदान की अनुदान बढ़ाने के साथ साथ। और पिछले माह जो गौ रक्षा को लेकर जो संतों ने एक सम्मेलन यहाँ पर पांजरा पोल में रखा था जयपुर में, उसमें मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोडासा जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हमारे साथी मेवाराम जी, मैं, हम सब लोग थे, उनने जो मांग रखी कि साहब महंगाई बहुत बढ़ गई और हमको संचालन करने में बहुत तकलीफ आती है, अनुदान को बढ़ाकर साहब 9 महीने किया जाए, मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सहज भाव में उनकी भावनाओं के अनुरूप उनकी मांग पर तुरंत अनुदान को 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने की घोषणा की, सीधा सीधा 400 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा अनुदान गौशालाओं को प्रतिवर्ष जाएगा। नंदी गौशाला की बात करें तो उसको लेकर के, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती रही थी और आपके कार्यकाल में तमाम इस तरह की भी चीज़ों की नंदी गौशालाएं ज़्यादा खुली हैं, कितनी और खोली जा सकती हैं और जो हैं एग्जिस्टिंग उनको लेकर के किस तरह की कार्रवाई चल रही है? नंदी गौशाला के लिए भी हमने हर पंचायत समिति में एक नंदी गौशाला की योजना लागू की, उसका परिपत्र जारी किया, उसकी हर जिले में जिला गोपालन समिति के द्वारा NIT लगाई गई और कई जगह इसमें संस्थाओं का चयन भी हो चुका है, MOU भी हो चुका है, उन्होंने मौके पे अपना काम भी आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, फिर भी उसमें कई चीज़ें सामने आई, परेशानी, ज़मीन की जो सीमा उसमें 20 बीघा रखी थी तो वो आज ज़मीन 20 बीघा उपलब्ध नहीं होने के कारण कई संस्थाएं चाहते हुए उसमें भाग नहीं ले पाई, तो हमने उसकी भी शिथिलता की पत्रावली अभी चलाई है और हम उसको भी शिथिलीकरण कर रहे हैं ताकि और
गौ सेवकों का, संस्थाओं का रुझान बढ़े, और जो मुख्यमंत्री जी की जो भावना है कि हर पंचायत समिति में एक नंदी गौशाला हो, उसमें 1,57,00,000 रुपए यूनिट को साकी गई है, और उसमें से 10% राशि संस्था लगाएगी जिसका चयन होगा, 90% राशि गोपालन विभाग देगा। इसी तरह अभी पिछले बजट में मुख्यमंत्री जी ने हर ग्राम, जिस ग्राम पंचायत में गौशाला नहीं है, हर ग्राम पंचायत में गौशाला खोलने की घोषणा की है। तो ये नंदी गौशाला का संशोधन परिपत्र जारी होने के बाद हम उसको भी लागू करने वाले हैं, ग्राम पंचायत गौशाला को। तो गौ सेवा को लेकर जो कार्य राजस्थान में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने अपने पिछले कार्यकालों में किया, जो इस कार्यकाल में कर रहे हैं, वो अपने आप में एक इतिहास है। और जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस गौमाता के प्रति संवेदनशील नहीं है और केयर योजनाओं को सही तरीके से नहीं कर पा रही हैं, ये उनके आरोप बिल्कुल मिथ्या हैं, झूठे हैं। मैं उन इसकी कटु शब्दों में निंदा करता हूँ। आज जितने भी प्रांत हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे हरियाणा हो, चाहे आपके महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, आप कहीं भी का भी आप उठा के देख लें, गौ सेवा के क्षेत्र में जो कार्य हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में किया है वो कहीं नहीं किया। जो गौ माता के नाम को खाली वोटों के लिए काम में लेते हैं, उनका काम ये है, और हमारा काम, हमारी संस्कृति, कांग्रेस की संस्कृति है सेवा करना। हम ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं, हमारे काम ही इसका प्रमाण है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आप देख सकते हैं, गौधन की बात करें, गौ संरक्षण की बात करें, तो तमाम आरोपों को आज गौपालन मंत्री प्रमोद भाया ने सिरे से खारिज किया। आपका साफ तौर पर कहना है कि जो पिछले 3 साल में काम हुआ या अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली पिछली 2 सरकारों में गौ सेवा के लिए, गौ संरक्षण के लिए जो काम हुआ वो एक मिसाल बन गया है। और अब जिस तरह से लंपी स्किन जो वायरस आया उसको किस तरह से नियंत्रित करना है, उसके लिए वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से कराना, उसमें भी गहलोत सरकार ने कोविड की तरह देश में एक मॉडल के तौर पर अपने आप को पेश किया है। और जो मैनेजमेंट है वो न केवल बेहतर है बल्कि इस बात की कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इस तरह के प्रयास किए जाएँ कि गौधन को इसका नुकसान नहीं उठाना पड़े। कैमरा पर्सन घनश्याम करोल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।